हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। धर्मचक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 4 अप्रैल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC जो है वो 4 जुलाई 2020 को धर्मचक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। ये दिन दुनिया भर के बौद्धों द्वारा जो है वो धर्मचक्र परिवर्तन या फिर धर्म के चक्र के घूमने के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन बौद्धों और हिंदुओं दोनों के ही द्वारा अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और इसको मनाया गया था किस दिन, 4 जुलाई को। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपने समझा जो है गुरु पूर्णिमा जो है आपने मनाया होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको मनाया होगा। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC जो है वो 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा उसने मनाया। तो आप बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? सवाल है कि भारत में कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 जो डिजीज़ है उसके सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम को हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा करी गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं और इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पर सिचुएशंस हैं गलवान घाटी में, उसमें जो है बहुत सारे हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे और उसमें जो है चीन के भी कुछ सैनिकों की जो है मौत की खबरें आई थी। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो हमारे सैनिक जो है गलवान घाटी में शहीद हुए हैं उनके नाम पर जो है जो भारत में कोरोना वायरस के चलते जो है सबसे बड़ा एक अस्पताल बनाया जा रहा है उसके वार्ड के नाम को हाल ही में उसके वहाँ जो हमारे गलवान घाटी पर जो शहीद सैनिक हैं उनके नाम पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि DRDO जो है उसने दिल्ली में बन रहे देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में गलवान शहीदों के नाम पर विभिन्न वार्डों के नामकरण करने का फैसला किया है। छतरपुर में स्थित इस अस्पताल में एक साथ जो है करीब 10,000 मरीज को रखने की क्षमता है और इसको आगे चलकर बढ़ाए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है वो 2,000 से ज़्यादा ITPP के जवान उनके पास रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको यह भी बता दें कि हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो यात्रा करी थी लद्दाख 3 जुलाई को, तो यहाँ पर बता देते हैं और उन्होंने लद्दाख में जाकर चीन का नाम लिए बिना उसको एक कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अब जो है विस्तारवाद का युग जो है समाप्त हो चुका है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहा गया था और कड़े शब्दों में इन्होंने जो है चीन को ये बताया था। भले ही नरेंद्र मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया होगा लेकिन ये संदेश सीधा सीधा जो है चाइना के लिए ही दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है पीटर फुल्टन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि पीटर फुल्टन ने कैंटबरी पुलिस टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच जो है वो पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट इन्होंने खेले थे और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुल्टन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाज कोच नियुक्त किए गए थे। पीटर फुल्टन ने अपने
करियर में कुल 23 जो है टेस्ट और 49 वनडे और साथ ही साथ 12 T20 मुकाबले खेले हैं। पीटर फुलटन के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज जो है वो 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। उन्होंने 2006 में अपने पहला जो है टेस्ट मैच खेला था। वहीं अगर 2012 की बात करें तो उन्होंने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच को खेला था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा करी है। इसका सही जवाब है 14 जुलाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, भारत बॉन्ड ETF देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड की दो मैच्योरिटी अवधि हैं। पहली मैच्योरिटी की बात करें तो अवधि 3 साल के लिए है, जबकि दूसरी की बात करें तो मैच्योरिटी की अवधि 10 साल की है। इस योजना का जो है दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत बॉन्ड ETF की दूसरी जो है खेप वो 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार जो है वो 14,000 करोड़ रुपए का होगा और आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUs के लिए पैसा जुटाने को सरकार ने निवेशकों के सामने ये विकल्प रखा हुआ है। पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए बॉन्ड लॉन्च करती थीं, लेकिन अब छोटे निवेशक भी इससे जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6.4%। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये की रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स और उसकी तरफ से अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी जो है उसने बताया है कि COVID-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन था उसके कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों को हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया है। पहले इससे जो है अगर देखें तो एजेंसी ने मई 2020 और 21 में GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। केयर रेटिंग्स ने कहा कि देश में जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है और रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। रेटिंग एजेंसी ने मई में GDP में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो हमने यहाँ पर बात करी है कि जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं जारी रखा गया है, इसीलिए ये बात कही गई है यहाँ पर। और ये बात जो है केयर रेटिंग एजेंसी का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। और अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है 4 जुलाई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। इससे जो है पहली बार अगर देखें आप यहाँ पर तो 1923 को मनाया गया था। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्क में ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार ने कर्नाटक में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्क में ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। राज्य में विकसित 4 फूड पार्क में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं भी बनाई जाएंगी। राज्य में कृषि स्टार्टअप्स का जो है फूड पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड पार्क मलूर बाकल कोट और हरियूरू और जेवारकी में है। और यहाँ पर बता दें दोस्तों आपको कि फूड कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है HDFC बैंक। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि HDFC बैंक ने देश भर के जो किसान हैं उनके लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान TV जैसी वैल्यू एडिट सेवाएं जो है वो प्रदान करेगी।
अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, झारखंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसका जवाब, और साथ साथ अगर कोई अन्य जानकारी भी है वो भी हमें लिखकर बताइए। यहाँ पर दोस्तों आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी जागरण जोश टीम की तरफ से, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। आप सारे दोस्त हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे वीडियोज़ देखते हैं उनको मेरी तरफ से और मेरी पूरी जागरण जोश टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर रेगुलरली करंट अफेयर्स आता है, रेगुलरली यहाँ पर जीके के वीडियोज़ आते हैं और जो न्यूज़ होती है, एजुकेशनल न्यूज़ होती है, जॉब से रिलेटेड होती है या फिर किसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होती है, वो सारी न्यूज़ भी आपको इस फॉर्म पर मिलती है जो कि सीधे सीधे गवर्नमेंट सोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। उसके अलावा कोई फेक न्यूज़ हम यहाँ पर नहीं देते हैं आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको सैयद सौबान की तरफ से, जागरणजोश.com की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जागरणजोश.com।